हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। होप यू आर डूइंग वेल, योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम मार्च 31, 2022 का डेली हिंदी एनालिसिस करेंगे। आज जो न्यूज़ है, जैसे जो हमने कल पढ़ा था, उसका एक सक्सेशन में न्यूज़ पढ़ेंगे। जो न्यू डेवलपमेंट्स है उसमें हम खास करके फोकस करेंगे। हम दो दिन से बिम्स्टेक के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, सो टुडे वी विल सी द न्यू डेवलपमेंट्स, टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन बिम्स्टेक। इसकी जो मीटिंग थी, इसकी जो समिट लेवल मीटिंग थी, वो श्रीलंका में हुई थी। इट एंडेड यस्टरडे। ओके, इट हैज़ अडॉप्टेड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ गोइंग टू प्ले अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन बिम्स्टेक, ओके, एंड इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। सेकेंड विल बी द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसको हम यहीं पर कर लेंगे। उसके बाद वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनर्स रिलेटेड टू असम मेघालय बॉर्डर क्राइसिस। उसके बाद जो फेसबुक का जो इशू चल रहा है अबाउट द पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, तो वो क्या इशू है, वी विल सी दैट ऑल्सो। अलॉन्ग विद डैट वी विल ऑल्सो सी टू इम्पॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़, एंड देन वी विल ऑल्सो रीड अबाउट अब्राहम अकॉर्ड। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ एक और है, दैट इज़ वॉट इज़ न्यू क्वाड। अब फ्रेंड्स, हम तो ये जानते हैं कि जो क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो चार कंट्रीज़ का बना हुआ है, दैट इज़ US, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बट देर इज़ वन न्यू क्वाड ऑल्सो। ओके, ये जो न्यू क्वाड है ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। ये क्या है, अब्राहम अकॉर्ड इससे कैसे रिलेटेड है, और क्या न्यू डेवलपमेंट आए हैं मिडल ईस्ट में बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग ईरान न्यूक्लियर डील, विदड्रॉवल ऑफ USA फ्रॉम मिडल ईस्ट रीजन, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मिडल ईस्ट में, उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक फॉर नोइंग द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे। सो नाउ वी विल मूव टू द न्यूज़, दैट इज from Pakistan, that Imran Khan, who was the Prime Minister of Pakistan, he has lost his majority in the lower house of Parliament, means Pakistan's Parliament, जिसको National Assembly भी कहते हैं। इस National Assembly में total 342 seats हैं, इसमें से 172 votes इन्हें पाना था to maintain, to remain in the government, but he has lost that. Now opposition, which had the support of 175 lawmakers, they have ousted his government by passing the no confidence motion. Okay, अब यहाँ पे एक पार्टी है जिसकी खास करके बात हो रही है कि जिसके सात मेंबर्स थे जिन्होंने विड्रॉ किया अपना सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। सो दैट पार्टी विच हैज़ विड्रू इट सपोर्ट फ्रॉम इमरान खान गवर्नमेंट, जो पहले इनके कोलिशन पार्टनर भी थे इमरान खान के गवर्नमेंट में। दैट पार्टी नेम इज़ मुत्तहिदा कुआमी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। इनके सेवन मेंबर्स है, दे ऑल हैव विड्रॉ देयर सपोर्ट। नाउ अगर अब हम देखेंगे तो जो मैजिक नंबर है पाकिस्तान के असेंबली का, दैट इज़ अराउंड 172। अब जो पाकिस्तान की जो PTI है, इमरान खान की पार्टी, इट हैज़ गॉट ओनली 155 सीट्स। नाउ अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन देखें अगर इंडिया का, सो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये हमेशा लोकसभा में टेबल होता है। ओके, why? Because the council of minister in India, they are responsible to the lower house, that is Lok Sabha. Okay, and India may be same hai, that if the no confidence motion is passed by the lower house of the parliament, then the council of minister, they lose the confidence of the house, and the ministry is dissolved, the government is dissolved and a new government is formed. No confidence motion pass hone ke baad aisa nahi hai ki fir se general assembly ke elections honge. Okay, if opposition parties can come together and they can form the government, then the elections will not be held. Now ab hum yahan pe dekhte hain ki who is going to be the next prime minister of Pakistan. To Pakistan ke mein Shehbaz Sharif, who is from Pakistan Muslim League Nawaz, inke jo president hain aur leader of opposition hai Shehbaz Sharif, he is going to be the next prime minister. The next is मोदी मूड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। सो वंस अगेन आई वॉन्ट टू डू अ रिविजन दैट वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। सो इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो 1997 में बनाया गया था, और जो इसके मेम्बर्स है, दे आर द लिटोरल कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो दिस मेम्बर्स आर इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ओके, नाउ द बिम्स्टेक की जो ये समिट थी, इट वॉज हेल्ड इन श्रीलंका कोलंबो। देन
अब ये कंक्लूड हुआ है, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है. वन इज़ बिम्स्टेक चार्टर. ओके, सो वन इज़ बिम्स्टेक चार्टर विच हैज़ बीन अडॉप्टेड. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिम्स्टेक चार्टर? तो चार्टर जो होता है वो किसी, वो एक डेफिनेशन होता है, वो एक रोल डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, तो इसके पहले बिम्स्टेक के पास एक चार्टर नहीं था. तो जैसे कि हमने परसों एक एडिटोरियल किया था विच वॉज डिस्कसिंग अबाउट दैट बिम्स्टेक शुड हैव अ कंक्रीट रोल डिफाइंड इन बे ऑफ बंगाल रीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लाइमेट, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो वो चार्टर लैक था बिम्स्टेक में, एक जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का. तो चार्टर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करता है, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है. सो नाउ बिम्स्टेक हैज़ गॉट इट्स चार्टर. ओके, नाउ बिम्स्टेक बिकॉज ऑफ दिस चार्टर इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स एम्बलम, इट्स फ्लैग, इट्स पर्पस एंड प्रिंसिपल्स विच हैव बीन क्लियरली डिफाइंड. देन द बिम्स्टेक समिट हैज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी. ओके, जैसे कि हमने कल के एडिटोरियल में पढ़ा था कि कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है बे ऑफ बंगाल रीजन में. वाई? बिकॉज बे ऑफ बंगाल, इफ यू विल सी, इट इज़ अ कनेक्टिंग रीजन बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया विच आर द वर्ल्ड्स ग्रोइंग एरिया. मतलब यहाँ पे अगर आप कंट्रीज को देखेंगे सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ग्रोथ पोल्स ऑफ द वर्ल्ड. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी था. सो नाउ इफ देयर इज अ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अमंग द बिम्स्टेक रीजन, सो देर विल बी ग्रेटर कनेक्टिविटी, मोर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन एनहांस्ड बिटवीन द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. अलॉन्ग विद दैट बिम्स्टेक इज ऑल्सो, बे ऑफ बंगाल इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, सो बिम्स्टेक इज अ कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इंडो बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन. ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं. दिस न्यूज़ इस टाइप ऑफ रिवीजन न्यूज़. यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि इंडिया ने किस तरीके से श्रीलंका को हेल्प कर किया है टू टाइड दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो इंडिया ने $400 मिलियन, ओके, $400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप के अंडर श्रीलंका को हेल्प किया है. देन $500 मिलियन हैज़ बीन लोन डिफरमेंट. देन $500 मिलियन क्रेडिट लाइन फॉर फ्यूल. एंड देन रिसेंटली इज $1 बिलियन क्रेडिट लाइन विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू श्रीलंका. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कल की न्यूज़ को तो श्रीलंका में थ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं. दिस थ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स ओके, जो NTPC और अडानी ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं, ओके, विच आर कमिंग इन दी नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. ओके, सो दिस इज़ द थ्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स बिल्ड बाई इंडिया. फिर हमने डिफेंस में कल किया था, एक था फ्लोटिंग डॉक और दूसरा था डॉर्नियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट. ये दोनों इंडिया श्रीलंका को दे रहा है. फाइन, देन अर्लियर वी स्टडीड अबाउट ट्रिंकोमली ऑयल फार्म वेयर इंडिया हैज़ गॉट लीज टू डेवलप दी ऑयल फार्म इन ट्रिंकोमली. नाउ अब हम आते हैं स्पेस डेब्रिस की तरफ. ठीक है, ये स्पेस डेब्रिस क्या होते हैं? जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ स्पेस में, ओके, अब वो सैटेलाइट डिसफंक्शनल हो गया. फाइन, एंड बट स्टिल दैट सैटेलाइट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ओके, एंड दिस क्रिएट स्पेस डेब्रिस एज यू कैन सी द इमेज. ओके, सो अर्थ इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज विच हैज़ बीन रिलीज बाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी विच शोज ट्रैकेबल ऑब्जेक्ट्स अराउंड द अर्थ. सो दिस इज द स्पेस डेब्रिस. ओके, तो ये जो डिसफंक्शनल सैटेलाइट्स हैं या स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दिस हैज़ बिकम नाउ प्रॉब्लम. सो नाउ दिस स्पेस जंक इट इज़ पोजिंग थ्रेट टू इंडियन एसेट्स इन स्पेस. कि तक दे मे कैन मेक अ कोलिजन विद इंडियन सेटेलाइट एक्सेट्रा. सो नाउ वॉट इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, इट इज़ बिल्डिंग अप इट्स ऑर्बिटल डेब्रिस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी बाई डिप्लॉइंग न्यू रडार्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंडर नेत्रा प्रोजेक्ट. वॉट इज नेत्रा प्रोजेक्ट? इट इज़ नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट. ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग रडार होगा, ओके, इसका रेंज है 1500 किलोमीटर, और जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप होंगे दे विल बी
इंडक्टेड फॉर इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड नेटवर्क ट्रैकिंग ऑफ नेटवर्क अंडर नेत्रा। यहाँ पे एक वो भी आया है स्टैटिक स्टेटमेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन दैट हु इज द करंट इसरो चेयरमैन। सो द करंट इसरो चेयरमैन इज एस सोमनाथ। अब हम फ्रेंड्स आते हैं असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में। जो ये न्यूज़ है इट इज़ एन एक्सप्लेनर टाइप विच गिव्स यू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट। सो असम का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो सिर्फ मेघालय के साथ नहीं है। एज यू कैन सी दैट असम हैज़ दिस डिस्प्यूट विद स्टेट्स लाइक मेघालय देन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे असम और मेघालय ने इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया which has resolved the dispute between Assam and Meghalaya partially. Okay, dispute जो है that has been resolved along the 884.9 किलोमीटर boundary. इस 884.9 किलोमीटर boundary के अंदर Assam is going to get 18.51 square किलोमीटर of the total 36.79 square किलोमीटर disputed area and Meghalaya is going to get 18.28 square किलोमीटर. Fine. अब यहाँ पे जो ये डील हुआ है इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। सो इफ यू विल जस्ट सी द सेकेंड लाइन, सो मेघालय वॉज अर्लियर ऑटोनोमस स्टेट अंडर असम। ये मेघालय एक ऐसी स्टेट थी 1972 तक विच वॉज एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन अ स्टेट। बाकी किसी का ऐसा स्टेटस नहीं था इंडियन यूनियन में, ओनली मेघालय हैड दैट स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। उसके बाद क्या हुआ दैट द बिल वॉज पास्ड कॉल्ड एज असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969 which created the state of Meghalaya. But there were certain areas which Meghalaya wanted to be part of Meghalaya, but they were part of Assam. So these areas were like East Jaintia Hills, Ribhoi and West Khasi Hills districts. Okay, so as Meghalaya wanted it to be transferred to Meghalaya after formation of Meghalaya, but it was transferred to Karbi Anglong, Kamrup and Kamrup districts of Assam. Now, since 1983 both the states they are trying to resolve the issue. So if you will just see that when they were bifurcated Assam and Meghalaya, so various committees were set up. Pehle jo tha jo do states the unhone ek joint official committee banaya to address the issue. Okay, jo is committee ne suggest kiya ki there should be again the delineation of boundaries between both the states. Fine, uske baad kya hua ki uske upar koi follow up action nahi liya gaya. The next was there was a independent panel constituted under Justice Y.V. Chandrachud, जो आज के जस्टिस हैं धनंजय चंद्रचूड़, उनके फादर हैं ये। तो उन्होंने ये कमिटी उनके चेयरमैनशिप में बैठी 1985 में एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1987, बट मेघालय रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट सेइंग कि जिस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हैं दिस इज़ प्रो असम। आफ्टर दैट देर वॉज डिस्प्यूट एंड वायलेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, देन इन 1991 दे बोथ agreed to demarcate the boundary with the help of survey of India, right? अब क्या हुआ कि जो 100 किलोमीटर की जो डिमार्केशन थी वो 1991 के आखिरी तक पूरी हो गई, बट अगेन मेघालय ने वॉइस रेज किया कि ये जो डिमार्केशन है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में मेघालय असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड शुड कॉन्स्टिट्यूट ए बाउंड्री कमीशन। नाउ अगेन असम असेंबली ने अब एक रिजोल्यूशन पास किया विच अपोज दिस मूव। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए टू डिस्कस दिस इशू। देन इन 1929 मेघालय गवर्नमेंट पेटिशन द सुप्रीम कोर्ट टू डायरेक्ट द सेंटर टू सेटल द डिस्प्यूट, बट दिस पेटिशन वॉज डिसमिस्ड। तो इसका मतलब कि जो डिस्प्यूट है दिस इज़ वेरी लॉन्ग। बट 2021 में ऐसा क्या हुआ, तो अगर 2021 में हम जाएँ तो इन जनवरी 2021 जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं श्री अमित शाह, ही अर्ज टू ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट दे शुड रिजॉल्व दैट बाउंड्री डिस्प्यूट बाय ऑगस्ट 15, 2022। देन व्हाट हैपेंड दैट बोथ द स्टेट्स असम एंड मेघालय दे फॉर्म्ड अ रीजनल कमिटी एंड हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ देयर स्टेट गवर्नमेंट एंड दे हैड अ five principles to solve this issue that is based on historical facts,
of disputed sector, ethnicity, administrative convenience, willingness of people, then contiguity of land, मतलब continuity of connectivity. ऐसा नहीं होना चाहिए कि असम इधर ख़त्म हो रहा है, असम का एक छोटा सा पार्ट मेघालय में है, विच इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई मेघालय. ऐसे एरिया को एंक्लेव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच दे रिजॉल्व बाई पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एंड द इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वॉज पास टू रिजॉल्व दिस बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो ये इसको एंक्लेव कहते हैं. नो कंट्री वॉन्ट्स, नो स्टेट वॉन्ट्स दैट एंक्लेव शुड बी फॉर्म. तो देयर शुड बी कनेक्टिविटी. इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्जुइटी. नाउ द कमिटी दे कंडक्टेड द सर्वे ऑफ ऑल द डिस्प्यूटेड सेक्टर्स. अगर हम कुछ डिस्प्यूटेड सेक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे नाम लिखा है तालाबारी, निजांग, हाहिम, बोकालपारा, खानपारा, पिलिंगाता एंड राताचेरा. इनको रिजॉल्व किया. ओके, एंड ओवर हियर सेवरल मीटिंग्स वर आल्सो हेल्ड विद लोकल स्टेक होल्डर्स एंड देन दे प्रिपेयर्ड अ जॉइंट ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट. नाउ वॉट इज द कंसर्न ऑफ लोकल पीपल. एक यहाँ पे कंसर्न हो गया है लोकल लोगों को. नाउ द पीपल हु आर नॉट tribals, now they say that they could end up living in tribal Meghalaya with no rights for non-tribal people. Okay, the similar thing is for tribal people now who will be living in Assam because of this exchange of territories. The next is ek parliamentary committee hai hamari, parliamentary standing committee on information and technology. Inhone एलिगेशन लगाया था फेसबुक के अगेंस्ट दैट दे जो इनका एल्गोरिथम होता है, इट फेवर्स वन पॉलिटिकल पार्टी. नाउ इसी के जवाब में मेटा जो कंपनी है, जो फेसबुक की पैरेंट कंपनी है, उन्होंने अपना एक ब्लॉग में अपना पोजीशन क्लियर किया है एंड दे हैव गिवन 6 पॉइंट्स बेस्ड ऑन विच दे रन द पॉलिटिकल एड्स. तो पहला है द एड ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे एड ऑप्शन में कहते हैं कि जो एड ऑप्शंस जब वो करते हैं तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्राइजिंग डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स. ओके, द प्राइजिंग मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन एंटिटीज टारगेटिंग एंड बिड स्ट्रेटेजी. पहला तो ये है. द सेकेंड इज डिस्क्लेमर. जो भी पॉलिटिकल एड देता है फेसबुक पे, दे आर रिक्वायर्ड टू दैट दोज एड्स आर ऑथोराइज्ड एंड दे शुड इंक्लूड डिस्क्लेमर्स, ताकि जब व्यूवर्स उसको, यूजर्स जब उसको ऐड को देख रहे हो तो उनको नॉलेज हो कि ये ऐड कौन रन कर रहा है. देन फेसबुक हैज़ अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज रिमूविंग एंड डिमोटिंग द कंटेंट. यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट विच आर वायलेटिव ऑफ देयर पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, उसको जो है फेसबुक जो हटा देती है. ठीक है ना, अगर कोई ऐसा पॉलिटिकल ऐड भी है विच हैज बीन फ्लैग्ड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन ऑल्सो दे आर रिमूव्ड from the platform. The next is that Facebook does not promote coordinated in authentic behavior. जिसका goal होता है to shape a political opinion. जैसे कि fake accounts बना के, okay, they are trying to shape the political opinion of the country. तो ऐसे ads को Facebook promote नहीं करता. The next is कि virality. Virality कैसे होती है? So Meta is saying कि वो virality जो है, it does not tweak with its algorithm to suit a particular user. But the feed is, जो feed होता है वो viral जब होता है तो उसमें जो लोग उसको देख रहे हैं उसी के हिसाब से वो viral होता है. उसमें Meta का जो algorithm है वो किसी particular political ad को target नहीं करता to make it viral. उसके बाद about the language, it is saying that Meta का जो blog post है, okay, it has content reviewers. इट इज़ स्टेटिंग दैट कंटेंट रिव्यूअर्स हैं 20 इंडियन लैंग्वेजेस में. ओके, एंड जो है वो रिव्यू और वेरीफाई करते रहते हैं ऑल दिस कंटेंट्स. नाउ वॉट इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एडवर्टाइजर्स. सो फेसबुक कहता है कि दैट एनी एडवर्टाइजर हु आर गोइंग टू पब्लिश एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सोशल इशूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, ओके, एंड दोज हु आर लोकेटेड विद इन द कंट्री, they have to go through the authorization process. Okay, तो उनको पहले तो comply करना पड़ता है Facebook के disclaimer rules से, labeling, blackout periods, foreign interference और spending limits और reporting requirements. Okay, they are required to comply with all those rules. Then they have to submit their identity and they also have to submit the accounts which is funding this ad. अब क्या
मेटा ने कभी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को कभी कम्प्लीटली बैन किया है तो जॉर्जिया में कर चुका है और यूएस के इलेक्शन डे के दिन उसने किया था। नाउ फ्रेंड्स, टू न्यूज़ फ्रॉम द डिफेंस। द फर्स्ट इज आयोनेस होल्ड्स मेडन मैरीटाइम एक्सरसाइज एट गोवा। सो द रीजनल ग्रुपिंग इंडियन ओशियंस नेवल सिंपोजियम इट हैज़ कंडक्टेड इज मेडन एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज IMX 22। दिस एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट गोवा एंड दैट ऑल्सो इन अरेबियन सी फ्रॉम March 26 टू March 30। फाइन, इसमें जो मेम्बर्स जो पार्टिसिपेट किए थे, ओके, तो 25 मेंबर्स अगर हैं इस इनॉप्सियम में तो इसमें 16 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पर जो फोकस था इट वाज नेचुरल डिजास्टर एंड रीजनल कोऑपरेशन। द नेक्स्ट इज MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है। सो जो इसका आर्मी एयरफोर्स वर्जन है, ओके, विच हैज़ बीन इंडक्टेड लास्ट ईयर, नाउ आर्मी वर्जन इज अंडर डेवलपमेंट एंड इज रेडी फॉर इंडक्शन। द नेक्स्ट इज फोर गवर्नमेंट रन फिल्म हैव बीन मर्ज विद NFDC। NFDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो चार ऑर्गेनाइजेशंस थे अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विच वर रिलेटेड विद फिल्म, नाउ दे हैव बीन मर्ज विद NFDC। ये चार के बस हमें नाम याद होने चाहिए। तो दिस फोर आर फिल्म डिवीजन, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। द नेक्स्ट इज रशियन यूएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस ट्रेवलर्स रिटर्न टू अर्थ। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो एलेट और ओलेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है विच इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ USA, रशिया, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सोयूज करके एक रॉकेट है जिसके साथ दो रशियन एस्ट्रोनॉट्स और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो रशियन एस्ट्रोनॉट्स हैं दोज आर एंटोन स्कैपलोव एंड प्योतर दोब्रोव, एंड जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं मार्क वेंडी हेई, दे बोथ हैव रिटर्न टू अर्थ बाई इन काजकस्तान। नाउ इसमें से जो नासा के जो मार्क वेंडी हेई हैं, ओके, ही वॉज द लास्ट टू एमर्ज फ्रॉम द व्हीकल and he has set a new record for the single longest space flight by NASA astronaut, which was for 355 days, almost 1 year तक ये international space station में थे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट टुडेज एडिटोरियल, ओके। आज का जो ये एडिटोरियल है वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ये इंडिया का एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। नाउ यहाँ पे जो बात हुई है इट इज़ अबाउट इंडियाज फूड प्रोग्राम एंड सेकेंड थिंग विच हैज बीन टॉक्ड अबाउट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। Now World Food Program was established in 1961 in Rome and it is the world's largest humanitarian assistance program. और जो इसके जो executive director हैं उनका नाम है David Beasley. Okay. Now this article discuss food crisis, the present food crisis going in the world basically because of climate change, वॉर एंड COVID-19 डिसरप्शंस। ठीक है, तो ये कहते हैं द आर्टिकल सेज कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ओके, एलिमिनेटिंग हंगर, ओके, उसको एक सिग्निफिकेंट थ्रेट मिला है इन तीनों चीज़ों से। फाइन, अगर हम 2019 का डेटा देखें तो अराउंड 650 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे सफर फ्रॉम क्रोनिक हंगर, ओके।
Now this is 43 million people more than in 2014. अगर हम स्टारवेशन का देखें, वो आर द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, इट हैज़ डबल्ड फ्रॉम 135 मिलियन पीपल टू 270 मिलियन बिकॉज ऑफ कोविड. फाइन, अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे इंडिया का रोल, ठीक है. सो इंडिया का रोल स्टार्ट होता है, फर्स्ट इट मैंशंस अबाउट अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान में देर वॉज फूड स्कैर्सिटी प्रॉब्लम, तो इंडिया ने उसको कैसे रिजॉल्व किया. इंडिया सप्लाइड 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ फूड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वीट which is going to Jalalabad through Pakistan. Okay, and the first consignment, it was sent with the contribution to World Food Program. Okay, now the next is that India ek zamane mein food import karta tha US se, khas karke wheat. ओके, नाउ फ्रॉम दैट नाउ इंडिया हैज़ बिकम फूड सफिशियंट. तो अगर हम 2020 में अगर इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे फूड प्रोडक्शन में, सो इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ओवर 300 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल, और जो हमारा बफर स्टॉक है दैट इज 100 मिलियन टन्स. ओके, देन इन एक्सपोर्ट्स देखेंगे, देन इन 2021 इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ 20 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट. देन नेक्स्ट इज दैट सेफ्टी नेट्स. इंडिया में सिर्फ फूड प्रोडक्शन ही नहीं, फूड की एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाता है. ओके, सो एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी, इट इज़ एंश्योर्ड थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स विच फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. दिस प्रोग्राम्स आर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. ओके, नाउ जैसे कि हमने किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको सेप्टेम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2020 टू प्रोवाइड रिलीफ टू 800 मिलियन बेनिफिशरीज हु आर कवर्ड अंडर NFCI. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? दिस इज द योजना फॉर PPL families, for widows, for differently abled people, terminally ill patients, etc., tribal peoples, ki they will be provided additional 5 kg of food grains and 1 kg of pulses. Okay, the next is the role of World Food Program. So agar hum dekhenge, food aur peace ka bahut bada relation hai, theek hai. So according to Stockholm International Peace Research Institute, it says that जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो पॉइंट्स हैं, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिंग कंडीशन फॉर पीस एंड दैट्स वाई इट वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2020. द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग सैंड्स. अब यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि अगर हम मिडल ईस्ट में जाएंगे तो हमेशा से एक राइवलरी रही है बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज, ठीक है. जैसे कि 7 days वॉर, योम कपूर वॉर विच लेड टू 1970s ग्लोबल क्राइसिस, फाइन, देन ब्लॉकेड ऑन स्वेज कैनाल. सो दिस हैज़ बीन द लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब कंट्रीज ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन. बट 2020 में एकाएक इसमें चेंज आ गया. वो चेंज कैसे आया? दैट चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड 2020. अब्राहम अकॉर्ड 2020 में UAE एंड इसराइल ये इन्होंने भी अपने बीच में अकॉर्ड किया था टू एनहांस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. अब इसके बाद से सिर्फ UAE ही नहीं, बाकी जो अरब कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो मीटिंग विद इसराइल एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू रीजनल आर्किटेक्चर. इसके पीछे जो रीजन्स हैं वो दो रीजन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. पहला तो ईरान न्यूक्लियर डील. दिस कंट्रीज दे एज्यूम ईरान as a nuclear threat, and the second is withdrawal of US security umbrella. So because of these two things, countries like UAE, in US to Thai, UAE, Bahrain, Morocco, Egypt and Israel, they gathered together in Negev desert of Israel to discuss the security architecture of Middle East. Okay, नाउ द सेकेंड इज कि
जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओके, दे डिपेंड अ लॉट ऑन यूएस सिक्योरिटी प्रोमिसेस, बट इट वॉज हिट बिकॉज की बिकॉज ऑफ हाउथी रेबल्स विच आर बैक्ड बाई ईरान, दे आर कैरिंग आउट अटैक ऑन क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सऊदी अरेबिया एंड हर्टिंग इट इकोनॉमिकली, ओके, बट यू एस कुड नॉट प्रोवाइड सपोर्ट और कुड नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया. द सेकेंड इज ऑन गोइंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमने एक आर्टिकल किया भी था इसी हफ्ते कि जो ईरान है अब उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ईरान न्यूक्लियर डील से, इट हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. और फ्रेंड्स द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज अबाउट आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी. सो हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022. नाउ दिस इज गोइंग टू enable union government, prison authorities and police to collect biometric and biological data from prisoners, okay, along with fingerprints, photographs, etc. अच्छा, ये जो कलेक्शन होगा ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा जो जो कन्विक्ट हुए हैं, और उनके लिए भी होगा जो अंडर ट्रायल्स हैं और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर हैं, ओके. इस बिल के अंदर क्या है कि अगर कोई अंडर ट्रायल है और बाद में उसको कोर्ट एक्विट कर देता है तो उसके सारे डेटाज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे. द नेक्स्ट इज कि अप टू व्हाट पीरियड दिस डेटाज विल बी स्टोर, सो अप टू 70 इयर्स दिस डेटा विल बी स्टोर, ठीक है ना, या उसके पहले अगर वो अपनी सजा पूरी कर लेता है तो इस डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे. बट नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट दिस बिल एज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. पहला तो ये है दैट इट गोज अगेंस्ट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इज KS पुट्टस्वामी, which is the judgment related to right to privacy. The second is it goes against the article 23, okay, which protects the rights against self-incrimination. Third is that there is lack of strong data protection law in India, okay, so over here this data can be used otherwise also. So these are some of the challenges to this bill. Now friends, before I leave, I want to ask one question which I want you to write me in the comment box, that who is the newly appointed Director General of International Labour Organization? Guy Ryder जो थे वो पहले International Labour Organization के DG थे, okay, Guy Ryder, now a new person has been appointed as the Director General of International Labour Organization. Please write the name of that person in the comment box. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.